क्लास फोर आज हम ईवीएस का चैप्टर 15 रीड करेंगे फ्रॉम मार्केट टू होम। मार्केट टू होम मार्केट से घर, ठीक है। देखो डे एट नाइट रात का टाइम था, ठीक है। पिक्चर्स देख रहे हो आप, पिक्चर में कैसे देखो बड़े फादर एंड मदर हैं, वो कैसे सब्जियां अलग अलग कर रहे हैं और कुछ बच्चे भी हैं, बच्चे भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। डे एट नाइट क्या लिखा है देखो, माय नेम इज़ वैशाली, वो बोल रहे हैं मेरा नाम वैशाली है, ठीक है। माय फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर, मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल सेलर हैं। माय होल फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, अम्मा भैया छोटू एंड आई, हेल्प हिम विद हिज वर्क, हम सब उनकी हेल्प करते हैं उनके काम में। कैन यू गेसेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आवर वर्क, क्या आप गेस सोच सकते हो हम अपना काम कब स्टार्ट करते हैं, कितने बजे? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे, व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट अस्लीप, उस टाइम सभी लोग सो रहे होते हैं। वी स्टार्ट आर वर्क, और हम अपना काम शुरू करते हैं। आर डेज वर्क बिगिंस व्हेन बाबूजी, अम्मा भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स, बोल रहे वो अपना काम कैसे स्टार्ट करते हैं, भैया अम्मा मैं बाबूजी हम सब गनी बैग्स, बैग सैक बोरियां से प्रीवियस डेज की वेजिटेबल मतलब पुराने दिन की पिछले दिन की सब्जियां निकालते हैं, ठीक है, और उसको बास्केट से भी निकाल देते हैं। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी, सम टाइम छोटू ऑल्सो हेल्प अस, और हम किस में हेल्प करते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आते हैं हम उसको मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए, और छोटू ऑल्सो हेल्प अस, छोटू भी हेल्प करता है इस काम के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज वी फिनिश डूइंग दिस, हम सब अपना जब ये काम फिनिश कर लेते हैं, एंड आर हैविंग सम टी, हम कुछ चाय पीते हैं, वी हेयर द हॉर्न ऑफ द टेम्पू, तभी टेम्पू की आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी भैया चाचू अंकल, ठीक है, एंड सम अदर्स फ्रॉम आर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी, जब वो हॉर्न बजता है टेम्पू का तब बाबूजी भैया अंकल है चाचू और कुछ अदर्स वो स्ट्रीट छोड़ के मंडी के लिए जाते हैं, ठीक है, वो सब्जियां बेचने के लिए। नेक्स्ट पेज है, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, क्या आपके घर में भी कोई है जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं? वॉट टाइम डज ही और शी गेट अप, कौन सा टाइम है उनके उठने का? वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, क्यों उनको क्यों जरूरत पड़ती है सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रिपेयरिंग फॉर द डे, पूरे दिन की कैसे प्रिपेयरिंग तैयारी करते हैं वो लोग, देखो पिक्चर में देखो कैसे बैठे हैं वो, सब्जी कैसे अलग अलग छांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना सब सब्जी, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है, वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, जब बाबूजी मंडी चले जाते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स को लेकर, जो प्रीवियस पुरानी सब्जियां पड़ी होती है घर में, हम उनको अलग अलग करते हैं गनी बैग से, फिर उसमें कुछ पानी छिड़क देते हैं। बाय 6:30 AM 6:30 बजे बाबूजी बैक फ्रॉम द मंडी विद बास्केट एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, मंडी से वापस आते हैं, ठीक है, बैग्स लेकर आते हैं और सैक उसमें पूरी सारी फ्रेश ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ भर के वापस घर आते हैं वो 6:30 बजे। At that time our house looks more like a small vegetable market, उस टाइम हमारा घर लगता है ऐसा छोटा सा सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट। There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, okra मतलब भिंडी, pumpkin, gourds, gourds मतलब लौकी होता है ना वो, chilies and many other vegetables all around, सारे तरह के vegetables हमारे चारों तरफ होती है। Everybody helps in shorting the vegetable, सब जने मिलकर अलग अलग सब्जी को छांटने में help करते हैं। The vegetables which are not fully ripe, वो सब्जियां सारी पकी हुई नहीं होती पूरी तरह से, and ready to sell are kept aside, और वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। We have to sort the vegetable fast, हमें जल्दी जल्दी वेजिटेबल को सॉर्ट करना होता है, so has to reach the bazaar as early as possible, ताकि हम जल्दी से जल्दी बाजार पहुंच सकें। नेक्स्ट पेज है, देखो देखो पिक्चर में कैसे उसके बाबूजी कार्ट में लेके सब्जियां बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। बाय 7 o'clock 7 बजे बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट्स, बाबूजी सारे सब्जियों को हैंड कार्ट उस ठेले में सारी सब्जी अरेंज कर लेते हैं, एंड लीव्स फॉर द बाजार, और बाजार के लिए निकल जाते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं इफ ही इज लेट, अगर वो लेट हो गए देन हीज रेगुलर बायर्स में बाय
देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। तो अगर वो लेट हो गए ना थोड़ा सा भी मार्केट में, तो जो उनके डेली के कस्टमर है ना ग्राहक, वो किसी दूसरों से सब्जी ले लेते हैं, क्योंकि वो बाबूजी तो लेट हो गए, इसलिए वो सेम टाइम पे जाते हैं ताकि जो उनके ग्राहक कस्टमर हैं उन्हीं से सब्जी खरीद लें। एज सुन एज बाबूजी लीव्स आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसके बाबूजी पहुँच जाते हैं और वो 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है इन द बाजार। ठीक है, बाजार में छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। जब छोटू अपना स्कूल अटेंड कर लेता है आफ्टरनून में, ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाजार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। ठीक है, स्कूल से जाने के बाद वो अपने बाबूजी और भैया के लिए खाना लेकर जाता है मार्केट में। ही स्टेज विद दैम एट द वेजिटेबल कार्ट। फिर वो वहीं पर रुक जाता है उनके साथ उसी वेजिटेबल कार्ट में, अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। जब तक उसका स्कूल जाने का टाइम नहीं होता तब तक वो वहीं रुकता है उनके साथ। समटाइम्स ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। कभी कभी वो स्कूल से सीधा बाबूजी की हेल्प करने के लिए चला जाता है। ठीक है, बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, उसने क्या देखा, उसके बाबूजी क्या कोशिश करते हैं, जो कल की बची हुई सब्जियां होती है ना पहले वो सब्जियां बेचे, उसकी कोशिश करते हैं वो। ठीक है, प्रीवियस वेजिटेबल जल्दी बिक जाए वो ट्राई करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट पेज है लेट अस टॉक। टॉक करेंगे, देखो क्या है, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। बाबूजी सोचते हैं प्रीवियस डेज की वेजिटेबल पहले सेल करें। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू सीन ड्राई और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर। क्या आपने ड्राई मतलब सूखी हुई और ख़राब सब्जियां देखी है कहाँ। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। वेजिटेबल कैसे स्पॉइल्ड होती हैं। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। छोटू अपने फैमिली की हेल्प कर रहा है। वॉट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट। क्या आपने सोचा कि छोटू इन सबसे क्या सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने फैमिली में एल्डर्स की हेल्प कैसे करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स गेट सोल्ड। ठीक है, प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स पहले बेचते हैं। भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक्स। ठीक है, तो भैया बोरियों से फ्रेश वेजिटेबल निकालते हैं एंड पुट्स दैम इन द कार्ट। फिर उसको वापस कार्ट में अच्छे से जमा लेते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। उन वेजिटेबल्स से पानी छिड़काव करते हैं सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप, ताकि वो सब्जियाँ जल्दी सूख ना जाए। स्पेशली इन समर, समर में ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में ज़्यादा पानी छिड़कना पड़ता है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बाबूजी और भैया बहुत लेट घर लौटते हैं, ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, रात के 10 बजे तक लौटते हैं वो। बाय देन छोटू एंड आई आर अस्लीप। उसके बाद फिर छोटू और मैं हम सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 or 11:30 एट नाइट। सबको सोते सोते 11 या 11:30 बज जाते हैं रात के। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह 3 o'clock 3 बजे, ओनली 4 hours लेटर। ठीक है, 3 बजे उनको उठना पड़ता है, सिर्फ 4 hours, 4 घंटे के बाद उनको वापस उठना पड़ता है। आर फैमिली इज़ अप अगैन, वापस उनकी फैमिली जाग जाती है। अनदर डे हैज़ बिगिन, और उनका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से देखो, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो। नीचे कुछ घड़ी दिया आपको देखना है। राइट वॉट यू डू, लिखना है आपको क्या करते हो। एंड वॉट वैशाली डज, और वैशाली क्या करती है। एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, उनके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मॉर्निंग के 3 o'clock हो रहे हैं, फिर मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे हैं, फिर नाइट के 9 o'clock हो रहे हैं। फर्स्ट है वैशाली, वैशाली वैशाली 3 dash है। वैशाली इन तीनों टाइम में क्या करती है वो लिखना है। फिर यू 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 है, यू मतलब आप इन तीनों टाइम में क्या करते हो। मॉर्निंग के 3 o'clock क्या करते हो, मॉर्निंग के 6 o'clock क्या करते हो, और नाइट के 9 o'clock आप क्या करते हो, वो लिखना है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम। आपके घर में वेजिटेबल्स कहाँ से आती है। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, और वो वेजिटेबल्स कौन लेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है सम फन विथ वेजिटेबल्स। कुछ वेजिटेबल्स के साथ फन है। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम When you get okra, भिंडी at home, look at them carefully. जब आपके घर में next time भिंडी आएगी तो उसको ध्यान से देखना। Are all of them the same size? क्या उन सबके size same है, उन सारे भिंडीज की ध्यान से देखना। Points है find the longest and the shortest one, measure them. आपको सबसे बड़ी वाली भिंडी और सबसे छोटी वाली भिंडी find करना है। ठीक है, और उसको नापना है कितना है। नेक्स्ट है, डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर। के सारे भिंडी सेम साइज के, सेम जैसे एक मोटा है तो सब मोटे हैं, या उन सबके कलर एक जैसे हैं। कट टू ओकरा भिंडी लेंथ वाइज, दो भिंडी को आप लेंथ वाइज काट लोगे। टू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, और देखोगे कि दोनों भिंडी में सेम नंबर ऑफ सीड्स है, दोनों में सेम बराबर बीज है सीड्स।
ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, फिर उसको आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे. नेक्स्ट है सीमाज मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. सीमा की मम्मी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से लेकर आती हैं. कैन यू फाइंड दैम इन दिस पिक्चर, क्या उस पिक्चर में आप वो फाइंड कर पा रहे हो. कलर दैम एंड राइट देयर नेम्स अलॉन्ग साइड, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल में आपको कलर करना है और साइड में उनके नेम्स लिखने हैं. बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स हैं, आप उसको पहचान के कलर्स करोगे ना तो सारी सब्जियाँ अलग अलग दिखेगी. ठीक है, करना है आपको ये कलरिंग. ओके,